快的猫戏，快快的猫戏。पर मावशी नहीं, मावशी हर सेल्फ इज बिजली. वीकेंड वाज फन. डबल हेडर मैचेस अगेन. मावशी का फ्यूज तो तभी छूट गया जब बेन स्टोक्स ओपनिंग करने को आया. अरे हैदराबाद के खिलाफ. मैं बोली बेन स्टोक्स के साथ तो वो इरफान पठान जैसा हो गया ना. वो कौन सा कोच था जो उसका करियर का डांडी गुल किया. सैंडल चप्पल चैपल चैपल ग्रेग चैपल. वो बॉलर को भी एक्समैन बना दिया. सो आई गॉट सो वरीड फॉर बेन स्टोक्स. मैंने सोचा उसको फोन करके ही समझती हुआ. तो मेरे को उसका नंबर मिला बटलर से. अरे बटलर मतलब अपना दगड़ू का सही है ना, उसका दोस्त है बटलर ना, उससे मिला नंबर. ए आगे आगे फोन आ गया. हेलो इज इट बेन स्टोक्स, दिस इज मावशी हियर, कैसा है. तो बोला ए मावशी मेरे को गाली नहीं देने का. मतलब अरे बेन स्टोक्स ऐसा कैसा करता है. मैं तेरा नाम ही बोली कोहली वाला बेन स्टोक्स ने, इंग्लिश वाला बेन स्टोक्स. मैं बोली आए बेन स्टोक्स मेरी बात सुन. तू ओपनर नहीं है, ओपनर सिर्फ ये किच होता है. कौन मेरा बियर बाटली का ओपनर. हाँ सो प्लीज प्ले इन द मिडल ऑर्डर कर लगना है. बाकी तू अच्छा नहीं खेला ना तो तेरा नाम बेन स्टोक्स से बदल के स्टोक्स बेन कर देगी और तेरे को तारक मेहता का उल्टा चश्मा में फिट कर देगी. हाँ चल अभी कट कर. ओके बाय. ऑल्सो तुमको तो मालूम है मावशी का लव फॉर इंडियन कल्चर. कल वो राजस्थान रॉयल्स का टेवाटिया और रियान पराग ने राजस्थान को जीता दिया. और जीतने के बाद अपना रियान पराग उसने अपना कल्चरल डांस किया सेलिब्रेट करने को. ऐसा भी वो डांस करने को लगा. मेरे को भी मेरा स्कूल डेज याद आ गया जब मैं आफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ी थी ना 5800 का मेरी गच्ची पर. सब लोग इधर खुश हो गए थे. बोले मावशी एक अपना कल्चरल डांस करूं दाखो ना. मतलब अभी करती बाले डांस ऐसा नाची ना मैं. सब लोग ऐसा खुश हो गए थे ना. मैंने भी एक ऐसा कल्चरल डांस कर दिया उसके ऊपर. ए गन्या धावरे माला पावरे गन्या धावरे मारा पाव. ऐसा बाले डांस होता है. बाले नहीं बाले बाले. हाँ वो छत पे से नाचते नाचते ना मैं नीचे गिर गई एकदम ढप करके. अरे डोंट वरी आई लैंडेड सेफ. मेरे को चोट नहीं आया. वो मैं अपने ढूंढू पे गिर गई ना. उसका पियल विद बोन एकदम कान से निकला. That moment was just made me so nostalgic. But I love such moments. IPL है इंडिया का पर खेल रहे UAE में. आसाम का भी उठान से राजस्थान की टीम में. I just love IPL like anything. Okay now moving ahead. Okay KR का कौन है वो, उसका नाम क्या. मरीन नरीन नारायण. पहले मेरे को बताओ उसका नाम सुनील नरीन है कि सुनील नारायण है. हाँ हमारी इंडिया में सब उसको सुनील नारायण बुलाते है. और एक तुमको मैं सीक्रेट बताती हूँ. वो वेस्ट इंडीज का हाइच नहीं. वो इधर कैच है. अरे उल्लासनगर वेस्ट में रहता है. मैं जानती ना उसको. अरे उसका बॉलिंग एक्शन पे फिर से सवाल उठा. पहले भी एक बार उसका एक्शन चेंज किया तो ऊपर से बॉल डालने लग गया. फिर दूसरी बार उसको चेंज करने को टोका तो साइड से डालने लग गया. फिर तीसरी बार इधर उधर से हाथ घुमाया. अरे उसका गुत्ती बन गया. तीन अलग अलग लोग आए वो गुत्ती खोलने के लिए. अरे ऐसे उसको बार बार टोको मत रे बाबा. बॉलिंग के लिए बहुत मुश्किल होता है उसको. किधर किधर से फेंकेगा अभी बॉल वो. तो मावशी स्वतः उसको फोन की. बोली हेलो नरिंदर करकट मावशी दिस साइड. अरे टेंशन नको घेऊ रे बाबा. उधर से देर को अगर निकाल दिया ना लोगों ने तो मेरे पास आने का स्क्वायर कट मावशी के पास. मैं तेरे को उल्लासनगर के अंडर आर्म टेनिस टूर्नामेंट में क्रिकेट खिलवाएगी. और सुन वो बाल पे तो मेरा खटिया का सुतली बांधा है ना वो वापस देना रे बाबा. अरे जमीन पे सो के कमर मोड़ला माझ. ओके बाय. हाँ ठेवते डो नॉट वरी हाउ फिश करी. अच्छा चलो अभी निकलो इधर से कस्टमर लोग आने का टाइम हो गया. हाँ ए पिंटिया 200 ग्राम थड़म पर झींगा पार्सल. स्क्वायर कट मौशी